हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल द आर्ट्स ऑफ ब्यूटी में। और आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि आप अपने ब्यूटी ब्लेंडर को कैसे क्लीन कर सकते हो। ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मैंने लिया है एक बर्तन जिसमें मैंने रखा है एक गिलास पानी। अभी मैं करती हूँ गैस ऑन और उस पर रख दिया है मैंने ये बर्तन जिसमें मैंने पानी डाला है। अब ये थोड़ा सा गुनगुना हो जाएगा तो फिर मैं इसमें डालूँगी शैम्पू। आप कोई सा भी शैम्पू इसमें डाल सकते हो और पानी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अब चेक करते रहना, जैसे कि मैं कर रही थी, पानी गुनगुना होना चाहिए। थोड़ा सा उसमें मैं शैम्पू ऐड कर दूँगी। आप कोई सा भी शैम्पू ले लेना, हार्ड शैम्पू मत यूज़ करना वरना ब्रशेस क्लीन करोगे या फिर ब्यूटी ब्लेंडर को आप क्लीन करोगे तो वो फिर हो जाएगा ख़राब। और हम लोग एक ही ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से किसी भी क्लाइंट का मेकअप करते हैं तो सभी का एक ही ब्यूटी ब्लेंडर से मेकअप नहीं कर सकते हैं। उसको क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि किसी किसी के फेस पे इन्फेक्शंस होते हैं, किसी का एलर्जी होता है, तो इसीलिए क्लीन करना चाहिए। और फाउंडेशन, कंसीलर, कलर करेक्टर सारा बैठ जाता है ब्यूटी ब्लेंडर में। तो मैं इस बाउल में रख दी हूँ, 5 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया। उसके बाद फिर आप देखोगे कि सारा फाउंडेशन जो है ना निकल गया है। फिर मैं इसको अच्छे से पानी से धो दूँगी। नॉर्मल वाटर से आपको वॉश कर लेना। आप देख सकते हैं पानी कितना गंदा हो गया। सारा फाउंडेशन, कलर करेक्टर, कंसीलिंग जितना मैंने किया था सारा कुछ इसमें निकल गया है। उसके बाद फिर मैं इसको अच्छे से धो दे रही हूँ नॉर्मल वाटर से। इसमें बहुत सारा फाउंडेशन बैठ जाता है इसलिए क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो आप किसी भी क्लाइंट का मेकअप करोगे तो आपका ब्यूटी ब्लेंडर ही ख़राब रहेगा, गंदा रहेगा, तो आप कैसे मेकअप कर पाओगे। उसको फिर वॉश करने के बाद मैं यहाँ पे एक टॉवल में इसको रब करती हूँ। उसके बाद फिर मैं मेकअप के लिए रेडी करती हूँ ब्यूटी ब्लेंडर को। इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं अपने ब्यूटी ब्लेंडर को क्लीन। और ये ट्रिक बहुत ही ईजी है, आप घर पर कर सकते हो शैम्पू की हेल्प से। मैंने ज़्यादा कुछ भी यूज़ नहीं किया है और ऐसे मेरा ब्यूटी ब्लेंडर भी क्लीन हो गया और मेकअप भी बहुत ही अच्छे से होगा आपका। आपको यदि वीडियो पसंद आया तो ज़रूर वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड दिस इज़ माई न्यू चैनल, सो सपोर्ट प्लीज़।